उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। वहीं शहर में एक ऐसा जलेबी वाला है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। उनकी जलेबी की खुशबू और नरम गरम ताजगी देखकर खाने का मन करने लगता है। यह जलेबी वाला अपने देसी स्वाद के बलबूते लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। उनकी जलेबी का स्वाद लेने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। जलेबी की गोल गोल आकृति, सुरमई रंग और कुरकुरी टेक्सचर लोगों को मोह लेती है। जब जलेबी ताजी होती है तो उसकी नरम गरम जलेबी को खाने का मजा दुगना हो जाता है। हमारी दुकान ये लगभग 75-76 से लग रही है और अच्छा से अच्छा स्वाद देने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारा नाम प्रेमचंद है और हमारे पुरखों ने यह दुकान चलाई थी जो आज तक कयाम है। धन्यवाद। ये जो जलेबी बनाते हैं कैसे बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ये मैदा होता है, बस मैदा चीनी घी, बस मैदा और चीनी घी तीन चीज है। जब नहीं उठता है तो सोडा जॉर्ज लगाया जाता है और कुछ नहीं। मैदा और चीनी और घी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। केवल जड़ा से जब नहीं उठता है तो सोडा खाने वाला डाला जाता है, बस और कुछ नहीं। जलेबी में स्वाद कैसा आता है? लोग कहते हैं कि आपकी जलेबी में बहुत स्वाद होता है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। ये भैया चूल्हे का असर है, चूल्हे में जो है ये बनती हुई देसी आइटम है ना, लकड़ी से जो है जलाया जाता है। जायकेदार जलेबी स्ट्रीट पे इतनी अच्छी जलेबी, मतलब रेस्टोरेंट कोई भी फेल है। मैं गारंटी ले सकता हूँ लखनऊ में आपको इससे जायकेदार जलेबी कहीं नहीं मिलेगी। आप खा के जरूर देखिएगा। आप लोग पूरे लखनऊ में घूम लीजिए, इससे बेहतर आपको जलेबी नहीं मिल सकती। प्योर हाइजेनिक जलेबी, कोई गंदगी नहीं, एकदम साफ सफाई से। और फुटपाथ पे ये देसी आपको यहाँ स्वाद मिलेगा, एकदम एक नंबर की जलेबी है। आप लोग कभी आइए तो ट्राई करके जरूर देखिए यहाँ की जलेबी। आप लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपको यहाँ फुटपाथ पे 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की एक सस्ते दाम में बहुत अच्छा स्वाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इतने कम रुपए में मतलब ऐसा जायका मिल नहीं सकता है कहीं, ये आप मान लीजिए। ऐसा जायका इतने कम रुपए में कहीं नहीं मिलेगा। इनकी जलेबी तो बहुत बढ़िया रहती है यहाँ की। ये डंडिया बाजार में, क्या नाम है, नीरा सिंह होम के सामने इनकी दुकान है। और आज से नहीं, कम से कम 40-50 साल तो हो ही, हम पिताजी के समय के सबसे देख रहे हैं। और इनका जलेबी का तो स्वाद बिल्कुल अलग ही रहता है, तो और साफ सफाई का भी इनका बहुत रहता है, बहुत मेंटेन रहते हैं। और इनका नेचर ही बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात होती है नेचर की, आदमी को सबसे बड़ा नेचर होता है और उसका जो है मेन क्वालिटी होती है, उसकी चीज़ होती है साफ सफाई। आप खुद ही देख सकते हैं कि सब कायदे से रखते हैं, मतलब बहुत लगता है कि हाइजेनिक है, बहुत दोस्तों में से बहुत, लेकिन सस्ता भी है, अच्छा भी है और सब अच्छा।